नमस्कार मित्रों, कर्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं। महाकवि भर्तृहरि का एक और सुंदर श्लोक देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ब्रह्मा येन कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। भैया, ये कर्म का महिमा है कि ब्रह्मा को जिसने कुलाल प्रजापति, देखिए गुजराती में कुम्हार को प्रजापति बोलते हैं और ब्रह्मा को भी प्रजापति बोलते हैं। क्यों? जैसे ब्रह्मा एक सृष्टि बनाता है, ऐसे कुम्हार की भी एक अपनी सृष्टि है। घड़े बनाएगा, कुछ और चीजें, इतनी सारी चीजें मिट्टी में से बनाएगा, जैसे इस मिट्टी में से शरीर को ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड रूपी इस महान विश्व में तो ब्रह्मा को जिसने कुम्हार बना दिया, ये कुम्हार की तरह नियमित कर दिया कि बस सृष्टि में आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक को जन्म देते रहना है, आपको इस चक्र में चलते रहना है। विष्णु हीन दशावतार ग्रहणे क्षिप्तो महासंकटे, और विष्णु को जिसने दशावतार ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कर्मों की गति है कि विष्णु को दस दस अवतार लेने पड़ते हैं, कहीं वाराह यानी सुअर बन जाएंगे, भुंड बन जाएंगे, हैं? कहीं मछली, कहीं कछुआ, किस किस रूप को ग्रहण करना पड़ता है। कभी वामन बन गए बटुकनाथ, हैं? पहुंच गए बलि के पास। तो सब कर्मों की वजह से है। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके, हाथ में कपाल लेकर के और शिव भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं, माताम भिक्षाम देही। और सूर्य जिसकी वजह से हमेशा गोल 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 घूमता रहता, चक्कर लगाता रहता, तस्मै नमः कर्मणे, तो इन कर्मों को मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि कर्म का चक्र ऐसा है कि व्यक्ति क्या स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य भी इन कर्मों के चक्र में फंस करके और अपने कर्मों की गति में घूमते रहते हैं। भैया, इन कर्मों की गति से नहीं बचा जा सकता है। यही कर्म है जो आपको 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, यही कर्म है जो आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, यही कर्म है जो आपको निकृष्ट बनाते हैं, यही कर्म है जो आपको देवता बनाते हैं, यही कर्म है जो आपको राक्षस बनाते हैं। भैया, न देवता बनिए न राक्षस बनिए, एक बार मनुष्य बन के तो देखिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर अच्छा लगता है तो मित्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप YouTube पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उनका आनंद लीजिए। धन्यवाद।